ख्वाहिशों की तस्वीरों से रंग काहे उड़ जाते हैं, क्यों ना ऐसे पल जो जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कुछ भी ना बोले, होठों को सी ले, जीना जो चाहे मर मर के जी ले, हर गम को यूं गुजारा है जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा है। रिदा, एक तो ये लड़की सुनती नहीं है। अरे सुनती हो के लगाओ दो जूतियां। अरे रिता, रिदा, मैं अचार का तेल लेने जा रही हूँ। हंडिया रखी हुई चूल्हे पर, जरा देखना जल ना जाए, ध्यान रखना। जाऊंगी सात समंदर पार। ये तेरा कमबख्त, मैं उड़ाती तेरे जहाज से। अम्मी प्लीज छोड़ दे, मेरा कान टूट जाएगा। कान में तेरा सर तोड़ दूंगी। कमबख्त मारी, छोड़ दे प्लीज, बचाओ अम्मी। बचाओ की बच्ची, सारी हंडिया जला दी तूने है, और कैरी पावर एक्टर भाग गई थी, अंधी हो गई थी क्या? अंधी क्या अम्मी, मैं तो बहरी हो जाती हूँ जब मैं हवाई जहाज की आवाज सुनती हूँ। मेरा दिल ना तेज तेज धड़कने लगता है और मुझ पर दीवानगी सवार हो जाती है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ठहर जा, रुक जा। तुझे तेरी दीवानगी तो मैं निकालती हूँ। मैं कितना घुटना टूट गया मेरा, सांस चढ़ा दिया मुझे। वो इसलिए अम्मी क्योंकि तुम बुढ़ी हो गई हो। हट, पाल पोस के बड़ा कर दिया ना तुझे, इसलिए अब बुढ़ी लगूंगी मैं। और जब मैं शादी करके सात समुंदर पार चली जाऊंगी तो फिर याद करना मुझे। हाँ, सात समुंदर पार से बड़े शहजादे आएंगे ना तेरे लिए। आएगा अम्मी, देख लीजिएगा, एक दिन जरूर आएगा। लाए दिखाएं, चोट लगी है? अच्छा मस के मत लगा, जब पानी लेकर आ। अभी लाती हूँ। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी मैं जा रही हूँ कॉलेज। अच्छा ये क्या है? तौसीफ की तस्वीर है, रिदा और बाकी सहेलियों को दिखानी है, खास तौर पे रिदा को दिखानी है मुझे। नहीं तो मैं इसे कहीं भी नहीं लेके जा रही। क्यों, क्यों नहीं लेके जा रही अम्मी? अभी चंद ही दिनों में तुम्हारी शादी है, तो तुम्हारे दोस्तों ने मिलना होगा या देखना होगा, वो शादी भी देख लेंगे। अम्मी ये क्या बात हुई, जब चंद दिनों में शादी है तो आज क्यों नहीं दिखा सकती? शादी वाले दिन भी तो देखना है। मैंने अगर रिदा को नहीं दिखाई वो नाराज हो जाएगी। बाकी सबको तो हैंडल कर लूंगी, रिदा को नहीं कर सकती, उसको कैसे मनाऊंगी मैं? बेटा मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। मैं नहीं चाहती कि रिश्ता होने से पहले ही टूट जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप, अपने दिमाग से ये वसवसे ये ख्यालात निकाल दें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी सहेलियां सब मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, दुआएं देंगी, कोई नजर नहीं लगाएंगी। लेकिन बेटा, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं लेके जा रही हूँ और मैं लेट हो गई हूँ,
ध्यान से जाना। जी अम्मी। वैसे दुल्हा भाई दिखने में कैसे हैं? तस्वीर लेकर आई हूँ, तुम लोग खुद ही देखकर बता दें। दिखाओ, देर किस बात की है? अरे तुम तो ऐसे तड़प रही हो जैसे इसके नहीं तुम्हारे दुल्हा हो। तुमने ये सिला दिया बचपन की दोस्ती का? अरे आ गई मेरी बहन, तुम्हारा ही तो इंतजार था मुझे। बहन बहन के साथ ऐसा सुलूक करते हैं? आइंदा से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। अरे अरे इसे क्या हुआ? श्रद्धा मुझे आने की जरूरत नहीं है कोई, मेरी टांगे दुख जाएंगी। रुक जाओ, तो मत आओ ना मेरे पीछे, करो जाके अपने ससुराल वालों की परवाह। ठीक है, जो तस्वीर लेकर आई हूँ अब तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। अरे दूल्हा भाई, वैसे ये अच्छा है, मैंने अब तक दूल्हा बनाया नहीं, तुमने दूल्हा भाई पहले ही बना लिया। हौसला रखो, बन जाए। लकी कैसे? से मुझसे ऐसे पूछ रही हो कि अगर मुझे पसंद नहीं आए तो तुम शादी से इनकार कर दोगी? अच्छे हैं इंसान के बच्चे तो लग रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, डायरेक्ट शादी कौन करता है? मेरी मंगनी की रस्म होती है, मैं हर रस्म में एक नया जोड़ा बनाती, सारी मेरी प्लानिंग खराब करती है। साधिया तुम खुश हो? हाँ खुश हूँ, एटलीस्ट इस पढ़ाई से तो जान छूटेगी ना, रोज उस पढ़ पढ़ के बोर हो गई हूँ मैं। लाइफ में एक चेंज होगा, वो भी एक खूबसूरत चेंज। तुम उदास ना होना, तुम्हारे लिए भी अपने ससुराल में कोई मुर्गा फंसा लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मुझे देसी मुर्गों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब देसी मुर्गे? मतलब ये कि मैं सात समंदर पार करके शादी करूंगी, मुझे नहीं पाकिस्तान में शादी करनी और ससुराल वालों की कनीज बन के रहना, मुझे तो अपने दुल्हे के दिल की मलका बनना है। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश पूरी करे, इंशाल्लाह। आमीन। थैंक यू, वैसे मैंने भी सोचा ही था कि तुम्हें चाय का बोलूंगा, चाय हाजिर हो गई। बहनें और बेटियां जो होती हैं ना इसी तरह हसास होती हैं, कुछ कहने से पहले ही जरूरत जान लेती हैं। अभी अपने घर की हो जाएगी इसकी बहुत कमी महसूस होगी। अम्मी लगता है कुछ भूल रही हैं, अल्लाह ने आपको बेटी के साथ साथ एक अदद बेटे की नेमत से भी नवाजा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नवाजा है, लेकिन अभी बात हो रही है बेटी की रुखसती की, जब ये चली जाएगी ना तो बहुत याद आएगी इसकी। लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आई, यार तुम ही समझा दो इन्हें। अम्मी आपके साहबजादे आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि मेरी कमी आप एक अदद बहू ला कर पूरी कर सकती है। अच्छा तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो पढ़ाई मुकम्मल करो कुछ बन जाओ, बहू तुम्हें फौरन ले आऊंगी। बिल्कुल बात समझ में आई, पढ़ाई पर ध्यान दे, डॉक्टर इतनी आसानी से नहीं बना जाता, पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए आपका, शादी की पड़ गई अभी से। चाय ठंडी हो जाएगी, बाद में कर लीजिएगा ना। रिता पूरे घर में मैंने टीवी का रिमोट ढूंढ लिया, कहाँ रख दिया तुमने? यहीं कहीं होगा अम्मी देख लेना। एक कोई चीज अपने ठिकाने पर रख सकती हो तुम के नहीं? अम्मी छोड़े आप टीवी का रिमोट, क्या हो गया बैठे और ये देखें।
कितने प्यारे जोड़े हैं ना अम्मी। हाँ ये वाला मैं सादिया के मेहंदी में पहनूंगी, ये शादी में, और ये वाला वलीमे में। तो एक, दो और तीन। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत हैं और मेरी बेटी पर अच्छे भी बड़े लगेंगे, लेकिन इनमें से एक जोड़ा भी बनवा के नहीं दूंगी। क्यों? अरे इतने महंगे जोड़े हैं, पता है एक एक जोड़ा कितने का है? जितने का है ना, इसमें पूरे घर के कपड़े बन जाएंगे। मेरी सबसे अच्छी सहेली की शादी है और आप मुझे जोड़े बनवा कर नहीं देंगी? हद हो गई। बनवा दूंगी तुम्हारी शादी में, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। है क्यों? क्योंकि जहाँ मेरी शादी होगी वहां से इतने स्टाइलिश कपड़े आएंगे ना बरी में, इनकी क्या जरूरत होगी। अच्छा, अमीरों में होगी मेरी शादी, डॉलर्स और पाउंड्स में खेलते होंगे। और ये जो खाला है ना, जो नीले पीले रिश्ते लेके आती है, इनको बताएं कि मुझे ऐसे रिश्ते बिल्कुल नहीं पसंद। चलो बेटा, ख्यालों में से बाहर निकलो और मुझे ना रिमोट ढूंढ कर दो, समझी ना? या नहीं है अम्मी। अरे कैसी निकम्मी लड़की हो, घर का कोई काम नहीं कर सकती? चलो रिमोट ढूंढ के दो। बहुत ही मुश्किल सफर था भाई। भाई भाई, ये जहाज मनहूस मारे लोग टिकट के नाम पे ये लाखों रुपए ले लेते हैं और मुसाफिरों के आराम का कोई ख्याल नहीं करते। मेरे तो कान अभी तक बंद है। शुक्र है कान बंद है, कहीं जुबान बंद हो जाती तो। क्या 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 कहा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी चुटकुले छोड़ने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ये लड़की, जा अपनी माँ से पूछ चाय बनाई है कि नहीं, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जाओ जल्दी पूछ करो, जाओ जाओ जाओ। लीजिए अम्मा, फरहीन ने आपके लिए गर्मा गर्म कबाब बनाए। और अब्बा, आपको केक पसंद है ना, फरहीन ने अपने हाथों से आपके लिए केक बनाया। बताइए, एक या दो? अरे अब डाल दो, क्या हिसाब से डालोगे भाई? ये ले। चाय मिलेगी आज की तारीख में या नहीं? अम्मा वो चाय ही बना रही है, दरअसल आप ट्राई तो करें, बहुत मजेदार है। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, केक बाजार से ही मंगा लेती, वो तो चाहती नहीं है कि मैं घर का कुछ खाऊं, उसके हाथ में जायका नहीं है ना। अम्मा ऐसी बात नहीं है, वो तो। अच्छा बस, ज्यादा बीवी की हमायत करने की जरूरत नहीं है। चार महीने लंदन क्या रह के आई, भूल गए हो? मैंने तुम्हारी तबीयत साफ कर देनी है हर बात पे। ये सामान हमारे कमरे में लगाओ, बेडशीट्स नई बिछाई हैं कि नहीं? जी, अजहर इनके कमरे में सामान पहुंचा दे। अजहर क्यों रखे, तुम लगो ना साथ। अजहर मैं किचन में बिजी हूँ, आप सामान रख दे। मैं कर देता हूँ, आप क्यों फिक्र करती हैं, आप प्लीज चाय लीजिए। और सफर कैसा रहा? हाँ, उस्मान का फोन आया। हाँ भाई। वालेकुम अस्सलाम। अजहर के साथ बैठे? हाँ सब ठीक, कौन जो खैर से। ये लो अपनी अम्मा से बात करो। हाँ बच्ची। बस बहन, अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं सुन ली। मेरी सादिया के लिए इतना अच्छा रिश्ता है, पढ़ा लिखा लड़का है, नौकरी भी अच्छी है। बस मकान नहीं है अभी उनके पास, लेकिन सादिया की सास बताई थी जमीन ले रखी है। ये खालिदा, अगर मर्द मेहनती हो ना तो सब सही हो जाता है। बस अल्लाह पाक हमारी सादिया के नेक नसीब करे। आमीन। मुझे तो बहुत खुशी हुई है सुन के, बहुत खुशी। देखे ना, मैंने जहेज के लिए कहाँ कहाँ से चीजें इकट्ठी की। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है भाई, सारा ही बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ये कितना प्यारा है खाला। तुम्हारे लिए भी ऐसा बनवा दूंगी, तुम फिक्र ना करना। ये मतलब थोड़ी था खाला मेरा। अरे तुम सादिया की दोस्त हो, बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह। तुम देखना तुम्हारे जहेज के लिए मैं क्या क्या बनवाती हूँ। कलर बहुत ज्यादा ब्राइट तो नहीं लग रहा? इतनी प्यारी लग रही हो। भारी बहुत है। अच्छा बस करो ना, जाके पहले चाय बनाओ। आओ पहले चाय बनाओ। अरे वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। खाली खुली चाय दोगी सादिया? शादी की मुबारकबाद देने आई हूँ, हद होती है कंजूसी की। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं भाई हमारे यहाँ।
सादिया कुछ खातिर मदारत करो इनकी भाई, कोई कमी रहनी चाहिए हैं। बिल्कुल भाई, खातिर के लिए मैं चाय चूल्हे पर चढ़ा रही हूँ और मदारत के लिए आप जल्दी से बेकरी जाएं और मेरी प्यारी सी दोस्त के लिए अच्छा सा केक लेकर। और कुछ? हाँ, आइसक्रीम भी लेके आइएगा। चाय के साथ आइसक्रीम और केक, बड़ी बातें हैं। वैसे बहुत अजीब सा कॉम्बो है। मैंने कब कहा कि मैं चाय के साथ आइसक्रीम खाऊंगी? मैं चाय के साथ केक खाऊंगी और फिर खाने के बाद मीठे में आइसक्रीम। उसके बाद तुम खाना भी खाओगी? सादिया, तुम्हारे भाई का बस है तो हमें कुछ खिलाए बगैर घर से निकाल दे, क्योंकि तुम घर में घुसने ही ना दे। तुम लोग इसी तरह करते रहोगे, मैं चाय चढ़ा रही हूँ। गलत, मेरा बस चले कभी जाने ना दो, हमेशा के लिए रोक लूँ सर। गुड मॉर्निंग शांजे, क्या हाल चाल है भाई? अम्मा बा किधर है? उनको भी बुलाओ, सारे साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। मेरी इतनी मजाल कि मैं उनकी नींद डिस्टर्ब करूं? जब नाश्ता करना होगा तो आ जाएंगे। फरहीन, वो चंद दिनों के लिए आए, मैं चाहता हूँ ये कुछ दिन अगर तुम अपना मूड ऑफ ना करो तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्लीज यार। और कौन सा वो अभी यहाँ पे हमारे साथ हैं? हाँ भाई, नाश्ता हो रहा है। अरे, और हमें किसी ने बुलाने की जहमत ही करवा नहीं की। अरे बेगम, अब तो एक बार ही बुलावा आएगा जो आएगा। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली फरहीन आपको उठाने लगी थी लेकिन आई गेस आप सो रहे थे तो। फ्राई अंडे? बस, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं नाश्ते में ऑमलेट खाती हूँ। मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, तुम्हें नहीं मालूम था? अरे थोड़े दिन के लिए हम बाहर क्या गए, तुम सब कुछ भूल गई? अरे 6 साल मेरी निगरानी में रही हो तुम, कैसे नहीं मालूम था? सुन रहे हो तुम इसकी बातें? शांत से जल्दी नाश्ता करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी खाओ। अम्मा सॉरी, एक्चुअली वो शांजा को फरहीन ड्रॉप करती है ना स्कूल, तो आई गेस वो लेट हो रहे हैं। कल से ऑमलेट, ठीक है? लाइन में आपको चाय डाल दूं? नहीं, डाल देंगे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये काम हम कर सकते हैं। चाय दूं आपको? You want some egg? हाँ मेरी बच्ची, मेरी राज दुलारी, मेरे जिगर का टुकड़ा, जब से वापस आई हूँ ना मेरी आंखें तुझे ही ढूंढ रही हैं। बस तू आ जा ताकि तुझे गले से लगाऊं, मेरे दिल को करार आए। आ जा मेरी रानी, मुझे बहुत बातें करनी है। तो मेरी बात भी तो कराओ ना। अच्छा अपने अब्बा से बात कर, बहुत बेचैन हो रहे हैं तुझसे बात करने के लिए। ये ले, ये ले। हाँ भाई काशवा, कैसी हो बेटा, कहाँ हो तुम? क्या मतलब शौहर आएगा तो उसके साथ आओगी? अरे टैक्सी पकड़ो, सीधे आ जाओ यहाँ के, उसे तला कर देना, काफी है बस। जितना सर चढ़ाएगी ना उतना ही वो सर चढ़ेगा। सुन रही है तुम्हारी अम्मी क्या कह रही है? ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं, समझ गई क्या? सास घर पे नहीं, घर अकेला। अरे क्या हो गया तुम्हें? अच्छा अच्छा छोड़ो सारी बातें, पर जल्दी से आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? कितनी भोली है हमारी बच्ची। अरे समझाओ इन्हें, जिंदगी एक बार मिलती है, दूसरों की फिक्र करने में या अच्छा बुरा सोचने में हम ही बर्बाद कर दें। आती है तो समझाऊंगी। और सुनो, काशवा आ रही है, खाने को कुछ अच्छा सा बना लेना। जब भी उन्हें कुछ अच्छा खाना होता है वो यहीं आती हैं। महीने में 5-6 मरतबा तो ऐसा होता ही है। तुम्हें क्या तकलीफ है उसके आने जाने खाने पीने से? उसके भाई का घर है, जब चाहेगी आएगी। मैं देख रही हूँ फरहीन कि तुम्हारे बहुत पर पुर्जे निकल रहे हैं, पर मैं इन परों को कुतरना अच्छी तरह से जानती हूँ। बाप मर गया तुम्हारा, धक्के देके यहाँ से निकाला ना तो खैराती इदारे ठिकाना होगा, समझ गई? आ गया मेरा बेटा, अच्छे वक्त पे आए, काशवा आने वाली है। काशवा तो अक्सर यहाँ पर आती रहती है। एक्चुअली कुछ दिन पहले अपने शोहर से लड़ के कम से कम 1 हफ्ता तो यहाँ पर रह के गई होगी। क्या शोहर से नाराज होकर? अरे सुन रहे हो, उसे घर छोड़ के आना पड़ा और उसने हमसे जिक्र तक नहीं किया। हाय मेरी बच्ची, चुपचाप जुल्म सहती रही, क्या अल्लाह। और तुम कैसे भाई हैं? देखने वाले नहीं हो कि बहन के साथ क्या हो रहा है? उसका शौहर क्यों लड़ रहा है उससे? हम नहीं थे ना यहाँ, कौन देखता?
इनके बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ना, चलेगा। ये वापस जाने से पहले ना हमें अजहर को समझा के जाना पड़ेगा। ये क्या तरीका है, बिल्कुल ही बीवी की जबान बोलने लगा है। हमारा मासूम बच्चा है इस मक्कार लड़की की बातों में उसके जाल में फंस गया, लेकिन ये जाल को तरना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता। कौन लोग हैं? लड़का क्या करता है? बाजार में कपड़े की दुकान है उसकी। तुम्हारी बीवी कुछ ज्यादा ही बेलगाम होती जा रही है, काबू में कर लो, फिर मुझसे गिला मत करना, बता रहा हूँ मैं। अब्बा रहने दें, ये पूरा का पूरा जन मुरीद है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। मैंने कब कहा कि मैं चाय के साथ आइसक्रीम खाऊंगी? मैं चाय के साथ केक खाऊंगी और फिर खाने के बाद मीठे में आइसक्रीम। सादिया, तुम्हारे भाई का पसर है, तुम्हें कुछ खिलाए बगैर घर से निकाल दिया, इसलिए तुम घर में घुसने ही ना दे। ये मैंने दूसरी बार गरम किया है, अब मैं दोबारा से इसको गरम नहीं करूंगी। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। खैर तो है, अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। नहीं तो मैं तो नहीं मुस्कुरा रहा था। नहीं तो अच्छा, अब ये नहीं कहना कि आपकी शक्ल ही ऐसी है, मुस्कुराती हूँ। और जल्दी से बता दीजिए क्या सोच रहे थे। बता दो। बिल्कुल, और क्या कह रही हूँ मैं, फौरन बताएं। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी शादी के रोज जो दूध पिलाई की रस्म होती है उसमें हम दूल्हे को चाय पिला देंगे। अच्छा अच्छा, इस वक्त आप मेरी शादी के बारे में सोच रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, बात मानने का दिल तो चाह रहा है लेकिन ये बात सच्ची है नहीं तो मैं मानूंगी नहीं, इसलिए सीधी शराफत से बता दीजिए कि क्या सोच रहे थे, वरना मैं अम्मी को बता दूंगी कि ना पढ़ाई होती है ना एग्जाम्स की तैयारी होती है, बल्कि किसी को सोच के मुस्कुराया जाता है और लड़कियों से बात भी की जाती है। नहीं भाई, मैं किसी लड़की से बात नहीं करता और ना कोई मैसेज होते हैं। अच्छा, अब आप किसी लड़की को जानते ही नहीं है। वैसे इस बात पे यकीन करने का दिल तो नहीं चाह रहा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है आपकी बात मानने के अलावा, तो मैं आपकी ये बात मान लेती। इसे पकड़ लिया था मैंने। कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अम्मी ने बहुत दिल से मेरी शादी की तैयारी की, सब एक से एक जोड़े खरीदे। अल्लाह ऐसी माँ हर किसी को दे।
दो घंटे हो गए हैं अभी तक कपड़े ही धुल रहे हैं। उसे पता भी है कि काशवा आने वाली है, मजाले आके पूछ ले खाने में क्या बनेगा। अरे दो घंटे लगाए या चार घंटे लगाए, खाना तो हमारी मर्जी का ही बनाएगी ना। काशवा कहाँ रह गई, बहुत देर नहीं कर दी उसने। अब देखो ना, भाई के पास गाड़ी है लेकिन उसे टैक्सी में आना पड़ रहा है। ये वापस जाने से पहले ना हमें अजहर को समझा के जाना पड़ेगा। ये क्या तरीका है, बिल्कुल ही बीवी की जबान बोलने लगा है। वो भी इसलिए अकड़ के फिरती है सारे घर में कि शौहर उसकी मुट्ठी में है। परेशान ना हो तुम, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं सब समझता हूँ। हमारा मासूम बच्चा है इस मक्कार लड़की की बातों में उसके जाल में फंस गया, लेकिन ये जाल को तरना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, जाने से पहले सब कुछ पहले की तरह करके जाऊंगा। जिस तरह ये घर में मालकन बन के फिरती है ना, मेरे दिल में आग लग जाती है, चैन नहीं आता मुझे। अरे घूमने दो चार दिन मालकन भर के इस घर में, फिर याद में गुजरेंगे सारे दिन, देखना। देखो मेरे ख्याल में आ गए। मेरी बच्ची, अस्सलाम वालेकुम। कितना इंतजार कर रही थी मैं, आ जाओ आओ। अरे थक गई अम्मी, थक गई मैं। देखें देखें अभी कितनी कमजोर हो गई है मेरी बच्ची। वालेकुम सलाम, जीती रहो भाई। उफ थक गई। फरहीन, अरे फरहीन कहाँ मर गई? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताओ सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक अबू। सिर्फ देख ही नहीं रहा, और भी कुछ सोच रहा हूँ। इकबाल से उनके घर वालों से बात करके जाऊंगा इस बार। आ गई तुम? ये क्या तरीका है, आ गई तुम, ना सलाम ना दुआ। जाओ जूस लेकर आओ इसके लिए, और खाने का इंतजाम करो, खाना इससे पूछ के बनेगा। मैं ना आप दोनों के बगैर बहुत उदास हो गई हूँ, बस मेरा दिल करता है मैं भी ना रहूं पाकिस्तान में। बस बच्चे हमारे कागज पक्के हो जाएं, फौरन तुम्हारा कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं। अच्छा ये बताओ गुड्डू को क्यों नहीं लेकर आई, मैं तो तरस गई उसको देखने के लिए। इतना शरारती हो गया अम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती, सास के पास छोड़ के आई हूँ अभी उससे मैं। अच्छा अच्छा, क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए खाने में काशवा? बिरयानी कबाब तो बनेंगे ही बनेंगे, और बाकी आपकी मर्जी जो बनवा लें बस। सुनो सुन लिया ना, बिरयानी और कबाब तो पक्के हो गए, मेरे लिए वो जरा कम मिर्च मसाले वाला कोरमा बनाना और साथ में फुलके डलवा लेना, चावल पसंद नहीं है मुझे, समझ गई? जाओ चलो जाओ। अच्छा और इकबाल क्या कर रहा है आजकल? वही जो करता है अब्बा, कुछ नहीं कर रहा मतलब? नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ आजो, आओ बैठो। क्या हाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र, आप बताओ कैसी हो? देखो सुरैया, हम सफेद पोश लोग हैं, बेटी को जहेज में ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, ये बात पहले से बता देना उन्हें। जवान बेटा है तुम्हारा, अपने घर भी तुम्हारा अपना है, अब बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हो ना। देखो आजकल जहेज के बगैर खाली खुली लड़की को कोई नहीं मानता। अरे मैंने कब कहा खुदा ना खास्ता हम कुछ नहीं दे सकते, कोई खाली हाथ थोड़ी रुखसत करूंगी अपनी बेटी को, पर वो जो जहेज की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है वो नहीं दे सकते। अच्छा खैर ये बताओ कौन लोग हैं, लड़का क्या करता है? बाजार में कपड़े की दुकान है उसकी। अच्छा अपना कारोबार है? हाँ हाँ बहुत अच्छा कारोबार है, 5 बहन भाई हैं और लड़का सबसे बड़ा है, बड़ा रौब है इसका घर पे, और छोटे बहन भाई तो सर नहीं उठाते इसके सामने। अच्छा तो फिर कब लेकर आ रही हो उन लोगों को हमारे यहाँ? अम्मी मैंने आपसे कहा है ना मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो रोजाना रिश्ते की बात क्यों चल रही होती है? खाला आइंदा ऐसे फजूल रिश्ते लेके मत आइए। रीता क्या हो गया, जो मुँह में आता बोले चली जाती हो, चलो जब मैं कह रही हूँ जाओ। लगता है बच्ची की मर्जी नहीं। अरे नहीं नहीं सुरैया, तुम्हें तो पता है आजकल की बच्चियों का, अभी शादी नहीं करना चाह रही,
ये तो तुम कह रही हो ना बहन। वैसे लड़की से कुरेद के पूछ लेना, ऐसा ना हो शरीफ लोगों के सामने मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने कहा ना ऐसी बात नहीं है। अच्छा तुम बताओ कब लेकर आ रही हो उन लोगों को? मैंने कहा ना पहले लड़की से पूछ लो। पूछ लूंगी मैं, तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हेलो सर। हाँ फरीन बोलो। तुम्हारी बहन फिर से बड़े से बैग के साथ आ गई है। यार फरीन अब जहरी बात है, माँ बाप इतने अरसे के बाद पाकिस्तान आए, अब उनसे मिलने उनके साथ रहने काशवा का तो आना बनता था ना। मेरी बात सुनो, जब तुम्हारे अम्मा अब्बा यहाँ नहीं भी थे ना तब भी उसने डेरे जमाए हुए थे। आते इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया है, बिरयानी और शामी कबाब खानी है, तुम्हारे अब्बा को कोरमा खाना है। भाई तुम्हें पता है मेरी क्या कंडीशन है? और तुम्हें क्या, इस घर में सबको पता है कि मसाले की खुशबू से मेरी तबीयत खराब होती है। और काशवा खुद अपने घर में कौन सा खाना पकाती है? बाहर से ऑर्डर करके मंगवाती है ना। बस जब तुम आओ तो लेते आना उसका खाना। फिर हीन महीने का एंड चल रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम कुछ तो बना सकती हो ना। अभी सैलरी आने में एक हफ्ता बाकी है, मैं किस तरह मैनेज करूंगा? तुम्हारे पेरेंट्स अभी यूके से आए, पैसों की कमी तो है नहीं, तुम लेते आना और उसके बाद उनसे पैसे ले लेना। सुनो फहीम, मैं जानते को स्कूल से लेने जाने देर हो रही है। खुदा हाफिज़। ये भी तो देखो ना, ये कितने मजे के कलर्स हैं इन लिपस्टिक्स के। हाय अल्लाह माँ, पहले ये सेलफोन तो देख लूँ। आपको पता है इतना महंगा सेलफोन दूर दूर तक मेरे ससुराल में किसी के पास नहीं है, देखेंगे जल के मर जाएंगे। हाँ, जलाओ उन्हें खूब अच्छी तरह से जलाना और कोई चीज ना देना। क्या हो गया माँ, मैं पागल थोड़ी हूँ जो किसी को कुछ दूँ, और अगर मुझे किसी ने मांगने की कोशिश भी की तो खरी खरी सुना दूंगी मैं। अम्मा ये ज्वेलरी, हाय अल्लाह घड़ी, ये भी मेरी है ना। और क्या तुम्हारा ख्याल है, उस मनहूस फरीन के लिए लाई हूँ, सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। इसका मतलब है उस मनहूस के आने से पहले ना ये सब कुछ अपने बैग में रख लेती हूँ। देखा सुल्ताना बेगम, देखा कितनी सादा बच्ची है हमारी। अरे बेटा ये जो कुछ भी हम लाए हैं ना तुम्हारे लिए लाए, और तुम्हारे माँ बाप लाए हैं, तो डरने की क्या जरूरत है? अरे दिल खोल के पहनो। अरे भाई छुपाने की क्या जरूरत है, दिखा दिखा कर पहनो। ये खिलौने देखो गुड्डू के लिए लाई हूँ। बस एक बार जरा हम सेट हो जाएं, फिर देखना तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें लाती हूँ। ये परफ्यूम तो उस्मान ने भेजा है तुम्हारे लिए। मुझे पता था मेरे भाई की चॉइस ना बहुत जबरदस्त है। और उस्मान पाकिस्तान आने वाला है। क्यों अचानक, क्या हो गया? वो उसके किसी दोस्त की शादी है, उसके लिए आ रहा है। ये क्या हरकत थी? कौन सी हरकत अलमी? बताऊं कौन सी हरकत? यही तो पूछ रही हूँ, कौन सी हरकत? देखो रिदा, मेरे लाड प्यार को ना मेरी कमजोरी मत समझना। और तुम्हें किसने हक दिया है अपने रिश्ते के बारे में फैसला करने का? नो, मैंने तो उनका वक्त बचाया है। जब उनके घर में मुझे शादी ही नहीं करनी तो क्या जरूरत है उनको घर बुला के अपना उनका वक्त जाया करने की? तौबा तौबा, कोई ऐसे भी बात करता है? और तुम्हें क्या हक पहुंचता है किसी को ऐसा वैसा कहने का? तुम्हें तो किसी ने कुछ नहीं कहना, सब मेरी परवरिश पर ही बातें करेंगे। और तुम्हारी शादी कहाँ होनी है कहाँ नहीं, इसका फैसला तुमने नहीं मैंने करना है। और जब नहीं होंगी ना तो कर लेना अपनी मनमानी। मम्मी इतना गुस्सा क्यों करती हैं आप? इधर आए, हटो, बात मत करो मुझसे। ठीक है मैं नहीं करती बात, लेकिन मम्मी मैं आपको बता देती हूँ, मुझे नहीं पसंद कि आप मेरे जहेज के लिए इतना परेशान हो। ऊपर से भाई दिन रात मेहनत करे इस फजूल सी रस्म के लिए, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे बेवकूफ लड़की, यार लड़कियों के रिश्ते शराफत के तराजू में नहीं जहेज के तराजू में तोले जाते हैं। ऐसा ही होता है बेटा, और ऐसा ही होता रहेगा। अब ऐसा होता है इसका तो मुझे नहीं, लेकिन ऐसा ही होता रहेगा ये मुमकिन नहीं है अम्मी। रिदा तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी बेटा, कि हम जिस माशरे में रहते हैं हमें उसके रिवाजों के मुताबिक चलना पड़ता है। हाँ ना, तो इसीलिए तो मैंने फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं पाकिस्तान में शादी करूंगी नहीं, मैं तो किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो मुझे सात समंदर पार ले। फिर दिमाग खराब हो गया इसका। रुक, अभी तुझे तेरे शहजादे से मिलवाती हूँ मैं। फरहीन,
अरे आ जाओ भाई, इधर फरहीन के अलावा भी कुछ लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आशफा, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ मैं। ये सब क्या है अम्मा? ये मेरे अम्मा अब्बा मेरे लिए लेके आए हैं, और मेरा जो सगा भाई है ना, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, उस्मान, उसने ये सारे गिफ्ट मेरे लिए भिजवाए हैं। तुम्हारी तरह नहीं है कि ईद बकरा ईद पे चंद हजार रुपए के साथ एक लॉन का सड़ा हुआ जोड़ा मेरे हाथ में रख दे। तुम्हारा भाई उस्मान यूके में है, मैं यहाँ पे मुलाजमत करता हूँ भाई, मेरा उसे क्या मुकाबला? तू तो परचून की दुकान पे काम करता है ना। साफ साफ क्यों नहीं कह रहे? तुम्हारी बीवी ने मना किया कि बहन पे खर्च मत करो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी बीवी कुछ ज्यादा ही बेलगाम होती जा रही है। काबू में कर लो, फिर मुझसे गिला मत करना, बता रहा हूँ मैं। अब्बा रहने दें, ये पूरा का पूरा जनमुरीद है। ये क्या उठा लाए हो? फरीन ने कहा था कि काशवा साहिबा ने फरमाइश की है कि इनको आज बिरयानी और शामी कबाब खाने। चलो शाबाश, बुलाओ जरा उसकी, तो तबीयत में ठिकाने लगाती हूँ ना। मतलब उसकी नंद आई है तो इतना नहीं हुआ कि दो चीजें घर में बन जाए? अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? हम तो जब भी काशवा की तरफ गए हैं, अगर कभी इसने खाना खिलाया हो तो हमेशा बाजार से खिलाया, हमने तो कभी गिला नहीं किया। बल्कि हमें तो ये लगा कि काशवा को अब घर का खाना पसंद ही नहीं है, ये तो बाजार से मंगवाती है। बात सुनो, बहुत अच्छी और मशहूर जगह से लेकर आया हूँ, आप सबको बहुत पसंद आएगा। और ये सारा सामान प्लीज उठा लेना, मैं नहीं चाहता फरहीन और शान से आके ये देखें और उन्हें एहसास हो कि इस घर में उन दोनों के अलावा हर किसी के लिए तोहफे आए। अरे देखती है तो देखे, हम इसके माँ बाप हैं, अपनी बेटी के लिए ये सब सामान लाए, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? ये शर्ट तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये भी देख लेना। तुम्हारी तौसीफ भाई से बात हुई? कल हो गई हो, घर वालों से मेहमान है मुझे। इसका मतलब तुमने नंबर नहीं लिया उनका। बुद्धू हो तुम, वो कितने बुद्धू हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है नंबर की? मैं भी इन्हें यही समझाती हूँ बाजी, मेरा मंगेतर ना चार पांच बार जब मुझसे बात ना कर लेना उसका दिल नहीं लगता, बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे। इसका मतलब सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनी है, शक्ल नहीं देखी उसने? अरे नहीं नहीं बाजी, उसने मुझे देखा है। हम जब पार्क जाते हैं ना सैर करने, तो वो मुझे पता क्या कहता है? कहता है मैं चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। अब जल्द से जल्द ना आप भी उनका नंबर हासिल कर लें। क्या फजूल की बातें हो रही है, चल जाके चाय बना। जी जी। नज्जो तुमसे ज्यादा एडवांस है, लो ना नंबर। मुझे कोई जरूरत नहीं उसकी तरह एडवांस होने की, तौबा, कभी नहीं होते मुझसे। अब तो डांटे की खाला ही क्या हुआ? नज्जो को बुलाओ। सादिया के ससुराल वाले चंद रोज में आने को कह रहे थे, मुझे लगता है शादी की तारीख पक्के करना चाह रहे हैं। सच मानो मेरा तो हाथ पैर फूल ही रहे हैं। अगर वाकई उन्होंने शादी की तारीख मांग ली तो मैं क्या करूंगी? पर खालता तुमने तो कहा था कि तुम्हारी तैयारी तो है। हाँ रुखसाना, लेकिन शादी है और वो भी बेटी की शादी है, ना ना करते भी 100 खर्चे हो जाते हैं। अच्छा चलो, अब सोच सोच के परेशान मत हो, उन्हें आने तो दो ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा आओ, बड़े वक्त पर आए हो, चाय और समोसे तैयार हैं, जल्दी से मुंह हाथ धो लो और आ जाओ। जी मुझे भी लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही मौके पे आया हूँ। अब मैं जरा चेंज करके आया। हाँ मेरा बच्चा, नाना नानी आया ना अभी वापस, तो मैं उनसे मिलने आ गई हूँ। नहीं नहीं, आपके फेवरेट टॉयज लेके आई हैं सारे। हाँ हाँ, आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, बाबा भी आएंगे ना ऑफिस से, उनके साथ आ जाना, ठीक है? ओके मेरा बच्चा, बाय। मेरा नन्ना था ना, अच्छा किया उसे बुला लिया, आंखें तरस गई उसे देखने के लिए। आता है थोड़ी देर में अभी। और सुनो, बासी खाना मत रख देना मेरे मियाँ के सामने, ठीक है? ताजा पकाना। अजहर, मैं तुम्हारे लिए शर्ट लाई थी, तुमने मेरे कमरे में ही छोड़ दी, बताया भी नहीं कि तुम्हें पसंद आई है कि नहीं। माँ आप लेकर आई हैं, पसंद क्यों नहीं आएगी, बहुत अच्छी है। आप मेरे लिए क्या लाई हैं दादी? तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा जो भी कुछ लाते हैं वो हमारी तरफ से ही होता है ना, आखिर तुम्हारा बाप ये बाद में है, हमारा बेटा पहले है, समझी?
अम्मा लेकिन अगर आप कुछ छोटा मोटा ही चांदे के लिए ले आती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अभी कहा ना, जो कुछ भी तुम लाते हो वो हमारी तरफ से ही होता है ना। हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? ठीक कह रही तुम्हारी माँ। अच्छा अम्मा, मेरा ना कमरे का टीवी खराब हो गया, नया ले देना। अच्छा हाँ, तो ये ले देगा ना सर। अम्मा मैं क्या कर रहा हूँ भाई? अरे हम इतने अरसे से बाहर थे, हम पे एक रुपया खर्च नहीं किया तुमने, और तुम्हारे हर पैसे पे हमारा हक है, हर शय पे। तुमसे तुम्हारा लगाने का कुछ नहीं कह रहे, जो हमारा पैसा है ना उसमें से टीवी ला देना बच्ची को। ठीक है भला बात की, इसका जो कुछ भी है उस पे हमारा हक है, हम इसके माँ बाप हैं, हम चाहें तो इसकी सारी तनख्वाह अपने हाथ में कर लें, किसी को जबान चलाने की इजाजत नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हो, लेकिन आजकल जेब जरा। अच्छा वो क्या हुआ तुम्हें, वो रेस्टोरेंट पसंद आया? भाई बहुत खूबसूरत है, इतना अच्छा जच रहा था मेरे हाथों में, पर वो जो आप अंगूठी लेके आई है ना वो थोड़ी सी टाइट है मुझे। तो दे देना इनको, दे देना किसी को। नहीं नहीं, मैं दे दूंगी, वहाँ मैं लूज करा लूंगी। इतनी महंगी अंगूठी है, किसी को दे दो, खुली करवा लेगी। पसंद नहीं आ रही ना उसे? खुली करवा लेगी, इतना है जरा सी, पसंद तो है तो खूबसूरत ना। जिस जिंदगी को चाहा था।